तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एक फूल का नाम मोदी रखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके रिसेंट के सारे एग्जाम्स में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस देश ने एक फूल का नाम मोदी रखा है। तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, इसराइल है, फ्रांस है, बांग्लादेश और नेपाल। इन चारों में कौन सा देश है जिसने एक फूल का नाम मोदी रखा है। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो इसराइल गए थे, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इनके सत्कार के लिए, इनके सम्मान को प्रकट करने के लिए वहाँ का एक फूल है गुलदौदी, गुलदौदी के फूल का नाम मोदी रखा है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हाल ही में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आपके इसराइल गए हुए थे, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने जो वहाँ का एक गुलदौदी नाम का फूल है उसका नाम मोदी रखा है, उनके सम्मान को प्रकट करने के लिए, उनके सत्कार को प्रकट करने के लिए। तो जिस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा कि हाल ही में किस देश ने एक फूल का नाम मोदी रखा है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, इसराइल ने। इसराइल ने अपने देश का एक फूल है गुलदौदी जिसका नाम मोदी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि फीफा 2018 की उप विजेता टीम कौन है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, फीफा से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके हर एक एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो फीफा 2018 की उप विजेता टीम कौन है। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, रूस है, फ्रांस है, क्रोएशिया है या फिर बेल्जियम है। तो दोस्तों बता दूं कि अब तक आपको विजेता टीम पूछ रहा था और फीफा कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ ये पूछ रहा था, तो उसकी उप विजेता टीम इस बार पूछ दिया है। तो आपको कुछ सारे ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। जैसे देखिए, आपका जो फीफा जो 2018 हुआ है वो ऑर्गेनाइज हुआ था आपका रशिया में, रूस में, वहाँ पर खेला गया था, उसकी मेजबानी रशिया ने करी थी। जीता था आपका फ्रांस ने, फ्रांस ने उसको जीता था। और हारा कौन था, फ्रांस ने किससे जीता था, तो वो जीता था क्रोएशिया से। ठीक है, तो जो फीफा 2018 की जो उप विजेता टीम यानी आपकी जो रनर अप टीम है, तो वो है आपकी क्रोएशिया। क्रोएशिया रनर अप टीम थी यानी जो उप विजेता टीम थी, फ्रांस आपकी विनर टीम थी और बेल्जियम तीसरे नंबर पे थी। बेल्जियम जो थी वो तीसरे नंबर पे थी। तो सारे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ क्लियर हो गए होंगे। क्रोएशिया उप विजेता टीम थी, फ्रांस आपकी विजेता टीम थी, विनर थी, और रनर अप टीम आपकी थी क्रोएशिया। बेल्जियम तीसरे नंबर पर थी, और जिस देश ने इस बार 2018 जो फीफा था उसको आयोजित किया था, उसका उसकी मेजबानी किया था, वो था आपका रशिया। कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं फीफा के बारे में। जैसे देखिए, फीफा 2018, ये आपके कुछ डिटेल्स हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, तो वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फुटबॉल, ये आपका फीफा का क्या है, फुल फॉर्म है। उसके अलावा दोस्तों, इस बार जो शुभंकर था, इस बार जो मैस्कॉट था उसका नाम था जाम्बी वाका। ध्यान रखिएगा, इस बार जो मैस्कॉट था, इस बार शुभंकर पूछ लेता है कि फीफा के इस बार का शुभंकर क्या था या उसका मैस्कॉट क्या था, तो वो था आपका जाम्बी वाका। फुटबॉल का नाम क्या था, तो फुटबॉल का नाम था टेल स्टार 18। ध्यान रखिएगा, टेल स्टार 18 था, जो कि एडिडास द्वारा बनाया गया था। ये आपका एडिडास द्वारा बनाया गया था आपका, जो इस बार फीफा में जो फुटबॉल यूज़ हो रहा था, जिस फुटबॉल से वो लोग खेल रहे थे, वो था टेल स्टार 18 उसका नाम था, जिसको बनाया था आपके एडिडास ने। उसके अलावा जो गाना डेडिकेट किया गया था इस बार जो गाना डेडिकेट किया गया था फीफा को, वो था लिव इट अप। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और उसको गाया था वेल स्मिथ, निकी जैम और एरा स्ट्रफी ने। उसको गाया किसने था, वेल स्मिथ, निकी जैम और एरा स्ट्रफी ने। उसके अलावा विजेता आपने देख लिया फ्रांस थी, उपविजेता आपकी क्रोएशिया थी, रनर अप थी। और टोटल इस बार 32 टीमों ने फीफा खेला है, इस बार टोटल 32 टीमों ने फीफा खेला है, जिसमें 64 मैच हुए हैं, 64 मैच हुए हैं और 169 गोल दागे गए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं कि कितनी टीमों ने खेला है, 32 टीमों ने खेला है, कितने मैच हुए हैं, तो 64 मैच हुए हैं, कितने गोल किए गए, तो 169 गोल किए गए। इससे पहले हमने आपको ये भी बता दिया कि मेजबानी करी थी आपकी रूस ने और उसको क्या कहते हैं, जीता था फ्रांस ने, और जो दूसरे नंबर पर थी यानी जो रनर अप थी वो थी आपकी क्रोएशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि आरपीएफ के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ पूछ दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, क्योंकि आपका रेलवे का एग्जाम चल रहा है, तो रेलवे से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पूछ रहे हैं, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारे ही आपको पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन है। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, धर्मेंद्र कुमार हैं, रजनीकांत मिश्रा हैं, के शर्मा हैं, राजीव राव भटनागर हैं। तो आरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं यानी महानिदेशक हैं, वो हैं आपके धर्मेंद्र कुमार। आरपीएफ के जो आपके महानिदेशक हैं वो हैं आपके धर्मेंद्र कुमार। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो रजनीकांत मिश्रा हैं वो आपके सशस्त्र सीमा बल यानी जो एसएसबी होती है उसके आपके महानिदेशक हैं। सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने प्रेजेंट भी कर रखा है। आरपीएफ के आपके हो गए महेंद्र कुमार, और आपके
जो कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं, रजनीकांत मिश्रा आपके हो गए SSB के, सशस्त्र सीमा बल के शर्मा आपके हो गए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के, और राजीव राय भटनागर जो हैं वो हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, CRPF के आपके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं आपके राजीव राय भटनागर, और के शर्मा आपके हो गए BSF के, रजनीकांत मिश्रा हो गए आपके SSB के यानी सशस्त्र सीमा बल के, और धर्मेंद्र कुमार आपके हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के आपके महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि नीति आयोग के CEO हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपका कि नीति आयोग के CEO कौन है। तो नीति आयोग के बारे में दोस्तों कुछ चीजें बता दूं, जैसे नीति आयोग आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है तो वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखिएगा नीति का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को यह गठित हुआ था, ध्यान रखिएगा, और ये योजना आयोग का नया नाम है, ये योजना आयोग का नया नाम है, जिसके वर्तमान जो CEO हैं आपके वो हैं आपके अमिताभ कांत, वर्तमान जो CEO हैं वो हैं आपके अमिताभ कांत, और जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और जो वर्तमान CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। और हमेशा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो जो वर्तमान का उस कालीन का जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है। तो आपके नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि ये 2015 में ही गठित हुआ है, इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, और बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों, ये दोनों आपको क्लियर हो गया कि नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं और उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। अश्वनी लोहानी दोस्तों आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये जो इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं आपको उनसे पूछेगा, तो अश्वनी लोहानी आपके क्या हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो अश्वनी लोहानी, वो आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा जो सुशील चंद्र हैं, जो सुशील चंद्र हैं ये आपके CBDT यानी जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, उसके अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सारे ऑप्शन आपको पूछे जा सकते हैं। और नीति आयोग के CEO कौन थे, तो वो हैं आपके अमिताभ कांत, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला दिया गया था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था। दोस्तों हाल ही में अटल बिहारी जी जो जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया, तो उनपे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इनको ये क्वेश्चन आपका है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2015 में। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, 2015 में उनको भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 2015 में उनको भारत रत्न दिया गया था। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, जैसे ये हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय तक सत्ता में रहे, 13 दिन तक, मात्र 13 दिन तक, 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके अलावा यूएनओ में हिंदी में भाषण देने का भी ये श्रेणी को जानता है, यानी यूएनओ में जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था तो वो भी आपके अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। भारत के 3 बार ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कितनी बार प्रधानमंत्री रहे, तो 3 बार रहे हैं, और अपने कार्यकाल में मात्र 13 दिन ये प्रधानमंत्री रहने का भी इनको वो है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है। आइए कुछ और चीजें जान लेते हैं इनके बारे में, जैसे कुछ और चीजें हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आपके क्या है, इनके बारे में देखिए 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ, ये भी आपको पूछा जा सकता है, जिस दिन पे आप सुशासन दिवस भी मनाते हैं। 25 दिसंबर को हर बार सुशासन दिवस मनाया जाता है यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। उसके अलावा 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें दोस्तों, तो संसद के 3 दशक हो गया, मृत्यु हत्या हो गई, अमर आग हो गया, अमर बलिदान हो गया, और सख्ती से शांति हो गया आपका, और राजनीति की रपटीली राहें हो गया, ये सारे ही इनके फेमस पुस्तकें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा UNA में हिंदी में भाषण देने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं ये, और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी रहे हैं, जिसमें मात्र 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के राज्यपाल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लगभग 6 से 7 राज्यपाल बदल दिए गए हैं, ये नया अपडेट है दोस्तों कि बिहार के नए राज्यपाल कौन है। इससे पहले जो पुराने राज्यपाल थे तो अब नए राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों जो बिहार के नए राज्यपाल हैं वो हैं ऑप्शन ए लालजी टंडन। लालजी टंडन आपके क्या हैं, बिहार के नए राज्यपाल हैं। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लालजी टंडन जो हैं आपके बिहार के नए राज्यपाल हैं। बाकी जो ऑप्शन थे दोस्तों इन सबों के बारे में मैंने प्रेजेंट कर रखा है, जितने राज्यपाल आपके बदले हैं, तो बिहार के नए राज्यपाल आपके लालजी टंडन हैं, और जो सत्यपाल मलिक हैं वो जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल आपके सत्यपाल मलिक,
विधायक हैं। गंगा प्रसाद आपके सिक्किम के राज्यपाल हैं। सत्यदेव नारायण आर्य आपके हरियाणा के राज्यपाल हैं। ये सारे नए राज्यपाल हैं जो अभी रिसेंट में बदले गए हैं, ठीक है। बेबी रानी मौर्य आपके उत्तराखंड के राज्यपाल हैं और तथागत राय आपके मेघालय के राज्यपाल हैं और कप्तान सिंह सोलंकी आपके हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। तो ये सारे नए राज्यपाल हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारा पूछ रहे हैं, यानी गवर्नेंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे अपडेटेड राज्यपाल हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। होप जो सारे क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किए हैं आपको अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए क्वेश्चंस को याद रखने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहेगा हमारे चैनल पर। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ऐसे ही डेली हम आपको करंट अफेयर्स के वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।